एक बार फिर से स्वागत है सिटी ऑनलाइन क्लासेस के मैथ टॉपिक में। और मैथ में आपका जो टॉपिक है ट्रेंड संबंधी क्वेश्चन, और इन पे हम लोग वर्क कर रहे थे। तो आपका एक अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन ये है आपका 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। आपका टॉपिक है ट्रेन, और इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, एक सौ बीस मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को दस सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। ओके राइट, क्वेश्चन आपका आपके सामने आ गया, स्क्रीन पे है आपके, और क्या लिखा हुआ है, 120 मीटर लंबी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है कि ट्रेन की चाल याद करनी है, तो सबसे पहले हमें नोटिफाई कर लेना है कि आपका जो ट्रेन है उसकी लंबाई, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में देखते हैं जो ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी है, 120 मीटर। और अब ये क्या कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा, तो उसको पार करने में इसे 10 सेकंड का समय लगता है। आप ध्यान से देखो कि किसको पार करने के लिए बोल रहा है आपको, व्यक्ति को, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है व्यक्ति, हवा में है, पेड़ पर खड़ा है, कोई भी उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आपको टॉपिक आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति को पार करवा रहा है या प्लेटफॉर्म को। अगर प्लेटफॉर्म को पार करवा रहा है तो एक बड़ी दूरी आपके सामने आएगी, और अगर एक व्यक्ति को पार करवा रहा है तो एक छोटी दूरी आपके सामने आएगी। हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु किसे कहते हैं। छोटी वस्तु में हमने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी छोटी वस्तु को लाइक दैट ईयर, जब कोई ट्रेन किसी छोटी वस्तु को अक्रॉस यानी क्रॉस करती है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी वही होती है जो ट्रेन की लंबाई होती है। माना अगर ये ट्रेन जो है 100 मीटर लंबी है और एक खंभे को पार कर रही है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी 100 मीटर होगी। और जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ये ट्रेन आपकी 100 मीटर है, प्लेटफॉर्म आपका 100 मीटर है, तो इस ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी अगर ज्ञात करनी है, तो ट्रेन की लंबाई और वस्तु की लंबाई जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखो एक व्यक्ति को पार कर रही है ये ट्रेन, यानी कि छोटी सी दूरी पार कर रही है, तो इसमें इस ट्रेन की जो दूरी अगर हम लोग देखेंगे, तो दूरी क्या होगी आपकी, 120 मीटर होगी, और समय कितना है आपका 10 सेकंड का, कितना सेकंड है 10 सेकंड। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दूरी भी छोटी इकाई है, समय भी छोटी इकाई है, तो इसकी जो चाल आएगी वो भी कैसी आएगी, छोटी इकाई में आएगी। हो सकता है कि ऑप्शन में छोटी इकाई में ना हो, बड़ी इकाई में हो, तो वो भी हमको ट्रांसलेट करने आता है कि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करना है कन्वर्ट, तो 18/5 18/5, और अगर स्मॉल यूनिट में बदलना है, बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में बदलना है, तो 5/18 यानी 5/18 का गुणा कर दे, तो वो एक ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल में हम लोग अपना आंसर निकालते हैं। आपका आंसर क्या है कि ट्रेन की चाल याद कीजिए, और ट्रेन की जो चाल याद करिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है आपकी, 120, और समय कितना है आपका 10 सेकंड, कितना है 10 सेकंड, इससे जीरो से जीरो काट दिया, कितना आ गया 120 मीटर प्रति सेकंड, 120 मीटर प्रति सेकंड। आप इसे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बस केवल इस बार उसमें क्या बोला था, चाल निकालने के लिए, सॉरी
तो हमने चार्ज कितनी निकाल दी, 12 मीटर पर सेकेंड। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।